हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वी ऑल नो दैट वी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द चैप्टर पॉलिनोमियल्स एंड ऑल्सो वी हैड प्रोवाइडेड यू अ वर्कशीट। सो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ द वर्कशीट इन विच आई थिंक सो ऑल ऑफ यू माइट हैव फेस सम डिफिकल्टीज व्हाइल सॉल्विंग अ वर्कशीट प्रॉब्लम। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर वन। इफ अल्फा, बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, देन फाइंड 1 बाई अल्फा बीटा प्लस 1 बाई बीटा गामा प्लस 1 बाई गामा बिल्फा। हियर इन क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। वी ऑल नो दैट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज वॉट, 3। सो दिस इक्वेशन हैव हाउ मेनी रूट्स, 3 रूट्स। इन क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी गिवेन दैट हैविंग रूट्स वॉट, अल्फा बीटा एंड गामा। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विथ एन जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, एफ एक्स इक्वल टू वॉट, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। नाउ कंपेयर दिस एंड दिस, एज का वैल्यू क्या हुआ, एज इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस पी, सी इक्वल टू क्यू एंड डी इक्वल टू माइनस आर। नाउ राइट हियर सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वी ऑल नो दैट क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस पी बाई 1, कितना वैल्यू है, पी। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू वॉट, सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना बेटा, कंपेयर करके देखो, क्यू क्यू बाई 1 इक्वल टू क्यू, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स व्हाट, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू व्हाट, माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी का वैल्यू क्या है, माइनस आर, तो माइनस आर, माइनस माइनस प्लस, तो आर आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, 1 बाई अल्फा बीटा प्लस 1 बाई बीटा गामा प्लस 1 बाई गामा अल्फा इक्वल टू, टेक एलसीएम। देखो यहाँ एलसीएम लेने में ही प्रॉब्लम होती है, या सुनो आप एलसीएम कैसे ले लोगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, बट इसका एलसीएम ये नहीं होगा। एलसीएम क्या होगा, सिंपल अल्फा बीटा गामा, क्योंकि हर में कॉमन कुछ कुछ है, अल्फा बीटा। देखो इसमें भी बीटा है, इसमें भी बीटा है, यहाँ पे गामा है, यहाँ पे भी गामा है, इसलिए एलसीएम इसका क्या होगा, ओनली अल्फा बीटा गामा। अब देखो सब टर्म इसमें, अल्फा बीटा इसमें है, हाँ है, बीटा गामा इसमें है, हाँ है, गामा अल्फा इसमें है, तो हाँ है, तो नाउ एलसीएम विल बी व्हाट, अल्फा बीटा गामा। नाउ अब देखो अल्फा बीटा तो क्या बचा है, गामा बीटा गामा, तो यहाँ क्या बचा, अल्फा गामा अल्फा, तो यहाँ क्या बचा, बीटा। नाउ अरेंज कर लो इसको, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा को यहाँ लिख दिए, गामा को यहाँ, बीटा को यहाँ लिख दिए, डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है बेटा, देखो तो पी, और अल्फा बीटा गामा कितना है, आर, तो पी बाई आर, दिस इज द आंसर। आई थिंक यू अंडरस्टूड। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर टू। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। हियर एफ एक्स इज वॉट, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कितने डिग्री का इक्वेशन है, 3 डिग्री का इक्वेशन है। तो हैविंग कितना रूट होना चाहिए, 3 रूट्स, अल्फा बीटा एंड गामा। रूट्स आर ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, अल्फा बीटा एंड गामा। तो राइट इट हियर, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। नाउ वी ऑल नो दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब हमको क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो ये प्लस में है तो इक्वल टू उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में। सो वन कैन राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज क्या, व्हाट, माइनस बी बाई ए। नाउ पुट इट हियर, तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज व्हाट, सी बाई ए। नाउ पुट इट हियर, 2 सी बाई ए, माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए। अब ए स्क्वायर ए का एलसीएम क्या होगा, ए स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया, ओनली बी स्क्वायर, यहाँ ए कैंसल आउट, ए के बचा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 ए सी, तो बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी बाई ए स्क्वायर, दिस इज द आंसर। आई थिंक सो यू अंडरस्टूड, यस ऑर नो, यस। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 3। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इज रेसिप्रोकल टू द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हियर व्हाट इट इज गिवन दैट इन क्वेश्चन, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। नाउ राइट हियर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, k स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k, कितने डिग्री का इक्वेशन है बेटा, ये 2 डिग्री का इक्वेशन है। तो रूट्स कितने होने चाहिए, 2। एज्यूम कर लो रूट्स आर व्हाट, अल्फा एंड बीटा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इट इज गिवन दैट रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। जो अल्फा बीटा रूट्स हैं आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है, यस और नो, यस। सो लेट
द वन रूट इज वॉट, एज्यूम किया था अल्फा एंड अदर रूट बीटा, क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल वन बाई अल्फा, तो वन रूट क्या हुआ अल्फा, तो अदर रूट क्या हो गया वन बाई अल्फा, मैंने बीटा की जगह क्या ले लेंगे वन बाई अल्फा, तभी तो बेटा रेसिप्रोकल हुआ ना। अगर सपोज कर लो एक चीज टेन है तो दूसरा रेसिप्रोकल उसका क्या होगा वन बाई टेन, यस नो। अब सम ऑफ रूट्स लिखना है तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा की जगह क्या लिखेंगे वन बाई अल्फा, तो सम ऑफ रूट्स क्या हुआ अल्फा प्लस वन बाई अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब बी का वैल्यू कितना है बेटा इन क्वेश्चन में देखो, तो बी का वैल्यू देखो कितना है, बी का वैल्यू कितना है थर्टीन, और ए का वैल्यू कितना है के स्क्वायर प्लस फोर, और सी का वैल्यू कितना है फोर के, कंपेयर कर लो इसको इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यस ना। तो बी का कितना हुआ थर्टीन, सी का वैल्यू फोर के, और ए का वैल्यू के स्क्वायर प्लस फोर। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड, यस नो, यस नाउ राइट इट हियर। तो सम ऑफ रूट्स क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस थर्टीन बाई के स्क्वायर प्लस फोर इक्वेशन वन। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू वन बाई अल्फा कितना हुआ सी बाई ए, सी कितना वैल्यू है फोर के, ए का वैल्यू के स्क्वायर प्लस फोर, तो ये सी बाई ए इक्वेशन टू। देखो वन और टू में किसको सॉल्व करना इजी होगा इसको, क्योंकि ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन टू अल्फा इंटू वन बाई अल्फा इज क्या हो जाएगा फोर के बाई के स्क्वायर प्लस अल्फा, अल्फा कैंसल आउट इज अदर, तो क्या हो गया फोर के बाई के स्क्वायर फोर प्लस इजकल टू वन, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो फोर के इजकल टू के स्क्वायर प्लस फोर, इसको उधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस फोर के प्लस फोर इजकल टू जीरो। अब यह क्या हो गया के माइनस टू का होल स्क्वायर चेक करके देख लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर जीरो। अब इसको होल स्क्वायर क्या ले सकते हैं इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लो, के माइनस टू इंटू के माइनस टू इजकल टू जीरो, तो दोनों केस में के माइनस टू इजकल टू जीरो, तो के इजकल टू क्या होगा टू, सो वैल्यू ऑफ के इजकल टू टू इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड, यस और नो, यस। टेक क्वेश्चन नंबर फोर, इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इजकल टू एक्स टू द पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35r 2 प्लस माइनस रूट थ्री, फाइंड अदर जीरोज। अब क्वेश्चन देखो fx कितने डिग्री का है 4 डिग्री का है, तो रूट्स कितने होने चाहिए 4, वी ऑल नो दैट। तो इसके बेटा रूट्स कितने हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वन कैन ऑल्सो टेक अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा 4। चलिए अब देखो, बट इन क्वेश्चन टू रूट्स आर गिवेन, वॉट आर द टू रूट्स हियर, टू रूट्स आर वॉट अल्फा एज्यूम कर लो 2 प्लस रूट थ्री, बीटा इजकल टू 2 माइनस रूट थ्री, तो हमको दो रूट्स तो मिल गया। तो इफ 2 प्लस रूट थ्री एंड 2 माइनस रूट थ्री आर टू जीरोज ऑफ एफ एक्स, देन एक्स माइनस 2 प्लस रूट थ्री एंड एक्स माइनस 2 माइनस रूट थ्री विल बी अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, यस और नो, यस। ये चीज हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो क्लिप, कैसे बताए थे कि इफ एक्स इजकल टू अल्फा, एक्स इजकल टू अल्फा इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, देन एक्स माइनस अल्फा इज व्हाट फैक्टर। रिवर्स ले चलिए, इफ एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर देन एक्स इजकल टू अल्फा विल बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आया नहीं, सपोज करो जैसे एक्स माइनस फाइव ये क्या है मेरा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब क्या हुआ कि x इजकल टू फाइव अगर पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए जीरो। तो अगर x इजकल टू फाइव इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देन x माइनस फाइव विल बी व्हाट विल बी फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, दैट मींस व्हाट कि अगर x माइनस फाइव से उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए जीरो, है ना। दिस टाइप ऑफ थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो क्लिप, आप देख लीजिएगा। तो यही यहां पे बात हुआ, क्या हुआ ये कि अगर x इजकल टू दिस, ये क्या है x इजकल टू टू प्लस रूट थ्री जीरो है, तो एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री क्या होगा फैक्टर। अब एक्स इजकल टू टू माइनस रूट थ्री क्या है जीरो है, तो एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री क्या होगा फैक्टर, फैक्टर हुआ। तो जब ये दोनों फैक्टर हुए तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा फैक्टर होगा, प्रीवियस वीडियो क्लिप में देखिएगा बेटा एकदम अच्छे से समझाए थे, यस ना। कैसे कि अगर एक्स माइनस अल्फा वन एंड एक्स माइनस अल्फा टू अगर फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का, तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा फैक्टर, मींस एक्स माइनस अल्फा वन इंटू एक्स माइनस अल्फा टू विल बी आल्सो अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। याद कीजिए एग्जांपल में 80 का फैक्टर क्या है, 80 का फैक्टर 4 भी है और 5 भी है, डिवाइड करके देख लो रिमाइंडर जीरो आएगा, यस और नो। तो 4 और 5 फैक्टर किसका हुआ 80 का, और 4 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू 5 20, तो 20 भी 80 का फैक्टर है कि नहीं, हाँ यस है, 24 जाए 80 रिमाइंडर क्या है जीरो। सो अगर ये दिस एंड दिस विल बी अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स देन दिस इंटू दिस ये दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा फैक्टर, तो ये दोनों को प्रोडक्ट कर लिए, यस सर नो,
दिस इंटू दिस, अब दोनों को ब्रैकेट ओपन करो तो x माइनस टू माइनस रूट थ्री, इसका ब्रैकेट ओपन करो x माइनस टू माइनस माइनस प्लस प्लस रूट थ्री। अब क्या अज्यूम कर लेते हैं, x माइनस टू को a अज्यूम करो और इसको b, इसको a इसको b, तो क्या फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी। तो वी ऑल नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज वॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कर दो तो x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। x माइनस टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर थ्री। तो फोर माइनस थ्री कितना वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, हो गया ये फैक्टर है। यानी कि अब इससे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो करके देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन ये पॉलिनोमियल है आपका, इसको डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर एक्स फोर है, पहला क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से सब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस फोर एक्स, फोर एक्स क्यू एक्स स्क्वायर इंटू प्लस वन एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करो माइनस प्लस माइनस कट गया, कितना बचाइए माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस टू एक्स क्यू माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स, तो माइनस थर्टी फाइव भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लिख दे माइनस थर्टी फाइव, ठीक है। अब देखो अब क्या फर्स्ट आ रहा हूं, माइनस टू एक्स क्यू क्या से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, माइनस टू एक्स से, तो क्या आ गया माइनस टू एक्स क्यू माइनस टू एक्स इंटू माइनस फोर एक्स प्लस एट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू प्लस वन माइनस टू एक्स, साइन चेंज करो प्लस माइनस प्लस कट गया अगेन, अब ये ऐड करो माइनस 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 ट्वेंटी सेवन माइनस एट माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर, इसको करो ऐड वन फोर्टी एक्स माइनस थर्टी फाइव। अब इसको कैसे करेंगे, देखो थर्टी माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर है तो कैसे करेंगे माइनस थर्टी फाइव से, तो क्या जाएगा यहाँ पे माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी फाइव इंटू माइनस फोर प्लस वन फोर्टी एक्स माइनस थर्टी फाइव इंटू प्लस वन माइनस थर्टी फाइव प्लस माइनस प्लस सब ऑल कैंसल आउट, रिमाइंडर जीरो आ गया, यस नो। चलिए तो अब इसको अज्यूम कर लो जी एक्स, किसको डिवाइजर को, इसको डिविडेंड को एफ एक्स, कोसेंट को क्यू एक्स और रिमाइंडर को आर एक्स। देन फ्रॉम वी ऑल नो दैट बाय डिविजन एल्गोरिथम इज व्हाट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज द डिविडेंड दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज कोसेंट, रिमाइंडर क्या है जीरो, लिखो या नहीं लिखो बात बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन ये हुआ। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए, कितना हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट, ये फर्स्ट लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर, तो माइनस टू एक्स को ब्रेक करो तो माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर आएगा, आ गया। नाउ टेक ये दोनों में कॉमन लीजिए, अब एक्स क्या बचा एक्स माइनस सेवन, इसमें प्लस फाइव लो तो क्या बचा एक्स माइनस सेवन, अब ये दोनों टर्म में कॉमन लो तो क्या कॉमन आएगा एक्स माइनस सेवन, तो क्या बचा एक्स प्लस फाइव। अच्छा ये चीज को हम ऑलरेडी क्या लिखे हैं, देखो तो यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन को नहीं लिख सकते हैं, एक्स माइनस दिस इंटू एक्स माइनस दिस, वही तो बात है ना, वही चीज लिख दिए और इसको ऐसे लिख दिए, सब कुछ जीरो के बराबर इक्वेट करो, एक्स इजिकल टू टू प्लस रूट थ्री, एक्स इजिकल टू टू माइनस रूट थ्री, ये ऑलरेडी गिवन है, दिस इजिकल टू जीरो एक्स प्लस फाइव इजिकल टू जीरो, एक्स इजिकल टू माइनस फाइव, एक्स माइनस सेवन इजिकल टू जीरो, एक्स इजिकल टू सेवन, दीज आर द अदर टू रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ऑल रूट्स हो गया बेटा, फाइंड यस और नो, यस डाउट किसी को नहीं। Now take other question. Question number 5. If alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equal to x square minus 1, then find a polynomial whose roots are, या whose zeros are 2 alpha by beta and 2 beta by alpha. ऐसा ही प्रॉब्लम हम लोग पहले कर चुके हैं, बट देखो यहाँ पे here fx is equal to क्या है x square minus 1, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का, तो रूट कितने होने चाहिए 2, assume root will be what alpha and beta. Now compare this equation with 2 degree का equation है, इसको जनरल 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर करो बेटा तो ए का वैल्यू कितना होगा 1, बी एक्स इसमें एक्स का कोई टर्म है नहीं है तो बी का वैल्यू क्या हो गया 0, नहीं है तो 0, और सी का वैल्यू बेटा कॉन्स्टेंट माइनस 1। हम इस इक्वेशन को एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैन ऑल्सो भी रिटेन एज, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा 0 माइनस 1, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बोथ आर सेम। अब देखो इसको इसको कंपेयर करो, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू माइनस 1, आई थिंक सो अंडरस्टूड, यस और नो, यस ठीक। अब देखो नाउ राइट हियर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी बाई ए, तो बी का वैल्यू कितना है 0, माइनस 0 बाई 1 0, अल्फा बीटा सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है माइनस 1 बाई 1 इजिकल टू माइनस 1। नाउ वी हैव टू फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर 2 अल्फा बाई बीटा एंड 2 बीटा बाई अल्फा। अब रूट्स दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो एज्यूम कर लो इसको बेटा, इस रूट को कैपिटल अल्फा 1, इस रूट्स को क्या एज्यूम कर लिया कैपिटल बीटा 1। नाउ एज्यूम
2 alpha by beta is equal to alpha 1 and 2 beta by alpha is equal to beta 1. Then we all know that if roots are given, then equation will be what? This k x x square minus sum of roots alpha 1 plus beta 1 into x minus plus alpha 1 into beta 1. Now simply put the value. K x square alpha 1 kitna beta? 2 alpha by beta plus 2 beta by alpha x plus alpha 1 beta 1. I need 2 alpha by beta into 2 beta by alpha. K x square take LCM alpha beta. यहाँ बीटा बीटा गया तो क्या बचा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ अल्फा अल्फा गया तो 2 बीटा स्क्वायर एक्स प्लस ये 4 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा कैंसिल आउट इधर क्या बचा के एक्स स्क्वायर माइनस अब ये दोनों में 2 कॉमन लो तो क्या बचा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 4 के एक्स स्क्वायर माइनस 2 वन कैन राइट ये बेटा फॉर्मूला आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटेन एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बहुत बार बता चुका हूं बेटा इसको ठीक है सो अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटेन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इनटू एक्स प्लस 4 यस और नो नाउ सी हियर सो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 अब देखो वैल्यू क्या है बेटा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 0 तो 0 माइनस 2 इनटू अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का वैल्यू माइनस 1 इनटू एक्स प्लस 4 तो के एक्स स्क्वायर माइनस देखो माइनस टू ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस तो प्लस टू बाई माइनस वन इंटू एक्स प्लस फोर के एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर दिस इज द आंसर आई थिंक सो एवरीबडी अंडरस्टूड और नॉट यस यस टेक अदर क्वेश्चन इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन ब्रैकेट में माइनस सी देन शो दैट अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इजक्वल टू वन माइनस सी यहां पे चीजें वेरीफाई करनी है एलएचएस इजक्वल टू आरएचएस अच्छा देखो बेटा इसमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है एफ एक्स इजक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी अभी ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है है ना इसको क्या करेंगे हम पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे ओपन करो इसको तो सो एफ एक्स इजक्वल टू वॉट एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी नाउ सो एफ एक्स इम्प्लाइज वॉट बेटा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन लो और पी प्लस सी ब्रैकेट में ले लीजिए अब देखो ये इक्वेशन नंबर क्या हुआ वन अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है ना नाउ कंपेयर दिस विथ अ जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू वॉट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अब इसको कंपेयर करो तो ए का वैल्यू कितना हो बेटा वन बी का वैल्यू माइनस पी एंड सी का वैल्यू माइनस पी प्लस सी बात समझ में आया बहुत सिंपल है बेटा इसमें कौन सा बड़ा चीज है ये दोनों को कंपेयर कर लिए ये इक्वेशन डायरेक्ट नहीं यही देखो ये प्रॉब्लम हो सकती थी इसको पहले क्या करेंगे ब्रेक करके पहले कैस में लाएंगे हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में लाएंगे देन आफ्टर हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अप्लाई करेंगे यस नो तो नाउ अब इसमें अप्लाई करो इसका कितने रूट्स होंगे सेकंड डिग्री इक्वेशन है बेटा ये कितने डिग्री का इक्वेशन है सेकंड डिग्री का तो हैविंग रूट्स इसका लिख देना बेटा यहां पे यहां लिख देते हैं बेटा देखो हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा तो इसके रूट्स कितने होंगे अल्फा बीटा तो नाउ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए तो माइनस बी कितना है बी का वैल्यू माइनस बी तो माइनस माइनस पी बाई ए वन तो माइनस माइनस पी आ गया अल्फा बीटा क्या होगा सी बाई ए सी का वैल्यू कितना है माइनस पी प्लस सी तो माइनस पी प्लस सी बाई वन क्या वैल्यू हो गया माइनस पी प्लस सी अल्फा प्लस बीटा इजकल टू पी अल्फा बीटा इजकल टू माइनस पी प्लस सी नाउ फ्रॉम क्वेश्चन टेक एलएचएस वॉट अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन हम एलएचएस लिए तो मल्टीप्लाई करो इसको अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू वन अल्फा प्लस बीटा इंटू वन बीटा प्लस वन इंटू वन वन नाउ पुट हियर वैल्यू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है माइनस पी प्लस सी पुट कर दिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है पी पुट कर लिए प्लस वन अब कर दो ओपन इज इक्वल टू माइनस पी माइनस सी प्लस पी माइनस वन पी पी कैंसल आउट इज अदर तो क्या हो गया वन माइनस सी दिस इज आर एच एस नाउ वेरीफाइड प्रूफ आर एच एस हुआ यस सो बच्चों वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द चैप्टर पॉलीनोमियल्स एंड आई थिंक सो ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक या चैप्टर पॉलीनोमियल्स अंडरस्टूड थैंक यू वेरी मच